हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक नया मॉड्यूल जिसमें हम लोग शंकर आईएएस बुक की मदद से आपके साथ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पूरा डिस्कस करेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप तक पहुँचाया जाए जिससे कॉन्सेप्ट पे आपकी अच्छे से पकड़ बन सके। एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं तो आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे ला पाएंगे। इसके अलावा एक और गुजारिश रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से चलता है ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम आपको दो फायदे देते हैं। पहले तो हर एक अपडेट आपको तुरंत प्रभाव पर हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, हम बहुत सारे स्टडी मटीरियल्स यहाँ पर शेयर करते हैं जो कि आपको पूरी तरह फ्रीली एक्सेसिबल हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन करें और सभी सुविधाओं का पूरी तरह लाभ उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द जो है उसका क्या मतलब है? देखिए, इकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इको और दूसरा है लॉजी। इको मतलब है आप जहाँ रहते हैं, जो आपका घर है, जो आपका एनवायरनमेंट है। तो आसान भाषा में समझने के लिए बता देता हूँ मैं, आपका घर। और लॉजी मतलब होता है स्टडी। जब आप किसी भी व्यक्ति के या किसी भी चीज़ के घर की स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं इकोलॉजी। आप एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए एक शेर है, तो आप समझेंगे शेर का जो घर है वो क्या है, वो है जंगल। तो शेर जो है जंगल में रहता है, तो उसका सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट, उसका घर क्या हो गया, उसका घर हो गया है जंगल। तो जब आप इस फॉरेस्ट की स्टडी करेंगे, समझेंगे कि वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वहाँ के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे इकोलॉजी। और वहीं पे अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से देखूँ तो देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है और कैसे वो अपने, ये जो है ये मैंने एनवायरनमेंट बनाया है, कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, इस पूरी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। देखिए, ये स्टडी है जहाँ पे दो जीव हैं, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है और कैसे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ये है पूरा इकोलॉजी के अंदर। अब ये जो इकोलॉजी है इसने आजकल में इम्पॉर्टेंस ये नहीं की, पुराने समय से इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आप यहाँ पर एंशियंट टाइम में देखें तो आप सोचिए किस तरीके से उस समय किसी भी व्यक्ति का उपचार किया जाता था, कैसे किसी को ट्रीट, किसी को क्योर किया जाता था। लोगों के पास कोई मेडिकल डिवाइस या इक्विपमेंट तो थे नहीं, उनके पास नॉलेज थी उनके एनवायरनमेंट की, जो आसपास उनके पेड़ पौधे हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उन सब चीज़ों की नॉलेज की मदद से लोग किसी को भी ट्रीट करते थे, किसी को भी क्योर करते थे। हमारे अगर एंशियंट टेक्स्ट आप उठा के देखें तो एक दो टेक्स्ट आप पाएंगे जैसे कि चरक संहिता, जैसे कि सुश्रुत संहिता। तो ये जो कुछ ग्रंथ हैं ये या तो मेडिसिन के बारे में बताते हैं या फिर ये सर्जरी के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई डिवाइस इक्विपमेंट के बिना ये जड़ी बूटियों की मदद से किस तरीके से किसी व्यक्ति का उपचार किया जाए इस बारे में चीज़ें दिखाते हैं। तो यानी कि आपकी इकोलॉजी की समझ पुराने समय से इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इकोलॉजी में ये जो एनवायरनमेंट की हमने बात की, ये भाई एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एनवायरनमेंट क्या है? आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको सराउंड कर रहे हैं, वो सब आपके एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, भले ही वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आइए देखिए, अगर ये शेर है तो ये शेर रहता है जंगल में, तो आसपास का जो जंगल है ये इसका घर हुआ, इसका सराउंडिंग हुआ। वहीं कुछ यहाँ पे पहाड़ भी होंगे, मिट्टी होगी, सूरज होगा, उसकी रोशनी से टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये हर एक चीज़ जो इस शेर को सराउंड करती है और किसी न किसी तरीके से शेर को अफेक्ट करती है, वो आती है उसके एनवायरनमेंट में। तो पेड़ पौधे जो हैं वो आपको पता है क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, इस वजह से इनको हम लिविंग कहते हैं। ये ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, तो इसी वजह से आप इन पेड़ों को कहते हैं लिविंग हैं। सभी चीज़ें जो ये प्रोसेस करती हैं वो लिविंग के अंदर आती हैं। तो लिविंग और साथ साथ ये पहाड़, मिट्टी, सूरज, ये सब भी आप इस शेर के एनवायरनमेंट में इंक्लूड करेंगे। तो मैंने समझा ये कि एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। बायोटिक यानी कि
जैविक और अबायोटिक यानी कि अजैविक, दोनों ही कंपोनेंट जब साथ में मिलते हैं तो बनता है आपका एनवायरनमेंट। और किस तरीके से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करे, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, ना ही ये स्टैटिक है, ये बहुत डायनेमिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शेर इस जंगल में रहता हो तो वो अलग तरीके से यहाँ पे अडेप्ट करेगा। वहीं पे आपको मालूम है, अगर स्नो लेपर्ड हो तो वो रहते हैं स्नो में, तो वो स्नो के हिसाब से अलग से अडेप्ट करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग से अडेप्ट करता है, स्टैटिक नहीं है कि अगर ये टेम्परेचर मिले तो ही ये जीवित रह पाएगा, नहीं। इसी की कम्युनिटी में अगर कोई दूसरी स्पीशी का कहीं और रह रहा हो तो वो उस तरीके के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेगा। तो इससे बात ये निकल के आई कि भाई जो एनवायरनमेंट है और जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, वो स्टैटिक नहीं होता और ना ही वो कोई ईजी रिलेशनशिप है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो डायनेमिक है। अब हम चलते हैं अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट पे। देखिए, अबायोटिक कंपोनेंट मैंने आपको बताया, जो सांस नहीं लेते, जो रिस्पायर नहीं करते, जो जीवित नहीं है यानी कि अजैविक, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी हो सकती है, रेडिएशन हो सकते हैं, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल और जियोलॉजिकल सबट्रैटम, ये सब मिला के आपके अबायोटिक कंपोनेंट बनते हैं। उसके अलावा अगर बायोटिक कंपोनेंट देखें तो जहाँ जहाँ पे भी जान है, जहाँ पे जीवन है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं इनको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक है ग्रीन प्लांट्स, एक है नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट यानी कि कुछ हार्डी प्लांट्स या फिर कुछ वुडी प्लांट्स, जहाँ पे आपको ज़्यादा पत्तियाँ नहीं दिखती, आपको मेनली तना दिखता है और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इस प्लांट में होता है वो होता है वुड्स। फिर वहीं पे डीकम्पोजर्स आप देखें, पैरासाइट्स देखें, सिम्बायंट देखें, एनिमल देखें या मैन देखें, ये सब के सब आएंगे बायोटिक कंपोनेंट में। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम करें कि अगर इस शेर के चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देख रहे हैं तो इसके बायोटिक कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो उसमें देखिए, ये ह्यूमन बीइंग आएगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ पैरासाइट, कुछ सिम्बायंट आएंगे, कुछ ग्रीन प्लांट्स आएंगे, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी आएंगे। तो ये सब जो इसको किसी तरीके से भी अफेक्ट करेंगे वो सब इसके बायोटिक कंपोनेंट हैं, और जो चीज़ें इसको अफेक्ट करेंगी लेकिन जीवित नहीं हैं वो सब इसमें अबायोटिक कंपोनेंट है। फिर अगर एनवायरनमेंट में ही हम एक कदम आगे बढ़ें तो हम एक और तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, ये एक मछली है, तो ये दो तरीके की एनवायरनमेंट से यहाँ पर अफेक्ट होती है। एक तो है इसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि यहाँ पर है, इसका मतलब है जिस भी पानी में रह रही है, समझ लीजिए समुद्र में रह रही है, तो जो इसके चारों तरफ का ओशन है वो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। वहाँ पे मौजूद जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और इस मछली के जो शरीर के अंदर है वो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो कि इसकी बाहर की बॉडी सरफेस से बाउंड है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में अंदर वाला एनवायरनमेंट ज़्यादा स्टेबल है। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर इस मछली को मैं रखूँ एक एनवायरनमेंट में, समझ लीजिए पहले ये एक समुद्री इलाके में रह रही थी, फिर उसके बाद आपने इसको उठाया और एक एक्वेरियम में इसको बंद कर दिया, इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो कितना भयंकर तरीके से बदल गया। देखिए, पहले ये रह रही थी समुद्र में, अब ये एक्वेरियम में रिसाइड कर रही है, तो आप देखेंगे इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो बहुत ह्यूजली चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो हाँ, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, क्योंकि एकदम मरीन वाटर से ये सीधे सीधे यहाँ पे आ गई, हो सकता है ये फ्रेश वाटर आपने डाला हो, तो कुछ हद तक तो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होगा, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल के कंपैरिजन में कम चेंज होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इंटरनल कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे आपने समझा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, और दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ज़रूर याद रखें। और इसके आगे फिर हम अगला टॉपिक देते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी में एक्चुअली कुछ लेवल्स होती हैं, जिस हिसाब से हम सभी इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करे, कैसे वही ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करे, ये सब आप जो समझते हैं ये कुछ लेवल्स होती हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इन लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहला लेवल है इंडिविजुअल। देख लीजिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक अकेला हिरण है, इसको मैं बोलूँगा इंडिविजुअल। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन में उतारूँ तो देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाए, जो दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा ना हो, उसको आप बोलते हैं इंडिविजुअल।
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट और एनिमल्स। अब देखिए, अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट तो ओनली सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है, वो सूर्य से एनर्जी लेते हैं, उसमें खाना बनाते हैं और उससे अपनी सारी क्रियाओं को पूरा करते हैं। और जो एनिमल है वो इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, और फिर उनमें भी जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो इन एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। तो ज़्यादा ये डिपेंडेंट नहीं है, ओनली अपनी फूड और न्यूट्रिशन नीड्स के लिए डिपेंडेंट हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सोचें तो इनका मोशन आप देखें, जब ये एक जगह से दूसरी जगह से जाते हैं, इनके सोने जगने का पैटर्न देखें, ये सब चीज़ें देखें, तो ये इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं। अपने कुछ बेसिक फंक्शंस को ये इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए आप कहते हैं इनको इंडिविजुअल। अब आती है बात पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन में हम लोग तीन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये भारत का निचला भाग है, समझ लीजिए वेस्टर्न घाट से यहाँ पे है। उसमें कुछ हिरन की एक पर्टिकुलर स्पीशी रह रही थी। एक पर्टिकुलर टाइम में, मैं 2012 ले लेता हूँ, एक पर्टिकुलर स्पीशी में ले लेता हूँ यहाँ पे, और एक पर्टिकुलर मैंने एरिया ले ही लिया है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स। तो ये जब तीनों चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं तो इन सब को, इन सब हिरण को मिला के आप कहेंगे पॉपुलेशन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो कि मैंने 2012 मानी है, और उसी सेम स्पीसी का, यानी कि अगर आप यहाँ पे चिंकारा को मान रहे हैं तो आप बारहसिंघा को यहाँ पे इंक्लूड ना करें और किसी स्पीसी को ना इंक्लूड करें, एक पर्टिकुलर स्पीसी में ही इसको रखें, तो वो जो लोग हैं सभी 5, 6, 10, 12, 10,000 जो भी होंगे उनको आप पॉपुलेशन कहेंगे। अब पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस होते हैं जिनके अनुसार कुछ नए नए टर्म्स भी आते हैं, जिसमें से एक टर्म है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने वही एग्जाम्पल वापस लिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, 2012 के टाइम पे अगर मैं देखूँ तो एक पर्टिकुलर स्पीसी वहाँ पे हिरण की थी, उसमें 10 हिरण वहाँ पे मौजूद थे। अब मैंने टाइम चेंज कर दिया, यहाँ पे 2018 में देखा तो उसी इलाके में, यानी कि वेस्टर्न घाट्स में ही यहाँ पे 20 हिरण अब हम गिन सकते हैं। तो यानी कि आप देख रहे हैं पॉपुलेशन चेंज हुई है। जब दो टाइम ड्यूरेशन के बीच में कंपेयर किया जाए तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब उस पर हम देख सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ी है कि घटी है, तो इसी आधार पे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी मान सकते हैं। देखिए कैसे, पॉजिटिव मैं मानूंगा, उस समय 10 थे अभी वो हो गए हैं 20, तो यानी कि 10 की बढ़ोतरी हुई है, तो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखते और यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाते, तो पहले 10 थे लेकिन अब यहाँ पे 5 रह गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है, नेगेटिव में आया है। तो इसी आधार पे आप ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब क्या क्या फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए, यहाँ पे 10 पहले हिरण थे, हो सकता है यहाँ पे कहीं बाहर से हिरण आ गए हों। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए गुजरात के किसी एक नेशनल पार्क से कुछ हिरण को उठा के आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे भी यहाँ पे जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले तो इमिग्रेशन एक जरिया है जिसके तहत पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और दूसरा सबसे सिंपल आपको पता है, बर्थ के थ्रू। तो इन दोनों फैक्टर्स से ही हिरण की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई है, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव पे है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूँ नेगेटिव पे क्यों जा सकती है, तो देखिए एक तो सीधी सी बात है, डेथ रेट ज़्यादा है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हिरण खत्म हो रहे हैं। और दूसरी बात अगर हम माने तो यहाँ पे आप देखिए एमिग्रेशन, आप समझ लीजिए जो आपने ये किया था इसका उल्टा कर दिया, वेस्टर्न घाट से उठा के कुछ आपने एमपी के कुछ एरिया में हिरण भेज दिए, तो यहाँ पे पहले 10 थे लेकिन आपने 5 यहाँ से उठा के वहाँ पे भेज दिए, तो उससे भी आपकी जनसंख्या कम होगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ को। और फिर इसी के साथ एक और टर्म निकल के आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, हम लोग वो भी समझ लेते हैं डेंसिटी क्या होती है। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मैं देखूँ तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पर्टिकुलर स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आप समझें ये छोटा सा इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स हैं, तो देखिए कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एरिया छोटा है लेकिन वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। अगर मैं आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में बताऊँ तो हम अगर राज्यों पर नज़र डालें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। फिर अगर
ये एरिया बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे कुछ गिने चुने 4 या 5 ही ऑर्गेनिजम्स होते, तो एरिया के अनुसार ऑर्गेनिजम्स कम हैं, इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। इसमें आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम लोग समझें तो देखिए, पॉपुलेशन को जब भी आप कनेक्ट करेंगे किसी भी एरिया के साथ तो आप उसको डेंसिटी कहते हैं। कितना डेंसली पॉपुलेटेड है एरिया वो डिपेंड करता है वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन निवास करती है उस एरिया के कंपैरिजन में। इसके बाद आती है कम्युनिटी। जो हमने ऊपर पॉपुलेशन पढ़ी, बहुत कम ऐसा होता है कि पॉपुलेशन अपने आप सर्वाइव कर जाए। एक पॉपुलेशन को किसी ना किसी दूसरी पॉपुलेशन पे डिपेंड करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये हिरण हैं तो हिरण की पॉपुलेशन पूरी डिपेंड कर रही होगी कुछ पेड़ पौधों पे, जिसको कंज्यूम करके वो अपनी एनर्जी, अपना न्यूट्रिशन अक्वायर कर रहे होंगे। अब यहीं पे अगर आप ये शेर की पॉपुलेशन मान लें तो जो शेर की पॉपुलेशन है ये डिपेंड करती है डियर की पॉपुलेशन पे। क्यों? क्योंकि ये इनको अपना फूड बना के न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत कम ऐसा होता है कि एक पॉपुलेशन अकेली सर्वाइव करे, वो किसी ना किसी दूसरी पॉपुलेशन पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड करती ही करती है। अगर आप इन सभी पॉपुलेशन को इकट्ठा करके एक पूरा एरिया बना दें यहाँ पे, तो उसको आप कहेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या है? एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा टर्म है ये, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशंस है जो एक दूसरे पे किसी ना किसी आधार पे डिपेंड करती हैं। तो बात आती है, आप इस कम्युनिटी को नेम कैसे देंगे? क्या नाम होगा? इसमें तो पेड़ भी हैं, हिरण भी हैं और यहाँ पे लायन भी हैं। तो कम्युनिटी जो मोस्टली नेम्ड होती है वो होती है अपनी डोमिनेंट प्लांट स्पीशी के नाम पे। वहाँ पे जो भी प्लांट है जो डोमिनेट कर रहा है उसके आधार पे आप वहाँ की कम्युनिटी को नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ग्रासलैंड कम्युनिटी। अब ऐसा तो नहीं है ग्रासलैंड कम्युनिटी में सिर्फ घास ही घास देखने को मिले आपको, नहीं, वहाँ पे ग्रास डोमिनेट ज़रूर करेगी लेकिन और भी बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी। वहाँ पे कुछ बड़े बड़े पेड़ होंगे, वहाँ पे कुछ हर्ब्स होंगे, वहाँ पे कुछ श्रब्स होंगे। आपको मालूम है ग्रासलैंड कम्युनिटी चीता के लिए बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होती है। और भी वहाँ पे काफ़ी हर्बीवोर्स होंगे जो पेड़ों को कंज्यूम करके अपने अंदर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो है सब पॉपुलेशन आपस में मिलके एक कम्युनिटी बनाती है, और एक कम्युनिटी को नाम दिया जाता है वहाँ पे जो भी डोमिनेट करती हो प्लांट स्पीशी। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की। देखिए, कम्युनिटी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और वो भी हमने क्या फैक्टर्स अज्यूम किए इसको डिवाइड करने में। देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो है आपका साइज ऑफ कम्युनिटी, कितनी बड़ी कम्युनिटी है, और दूसरा फैक्टर है यहाँ पे इंडिपेंडेंस, कि वो किस हद तक इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमने कम्युनिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहली है आपकी मेजर कम्युनिटी और दूसरी है आपकी माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी क्या है? एक ऐसी कम्युनिटी जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जो इंडिपेंडेंट है कंपैरेटिवली, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचूं तो वो सन की एनर्जी पे बस डिपेंड करती है। एग्जाम्पल हो गया इसका कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर कोई डेसिडियस फॉरेस्ट, बेसिकली कोई भी ऐसे पेड़ पौधे जो सिर्फ सन की एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको हम इस मेजर कम्युनिटी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं, वो इस पेड़ सूरज की एनर्जी से ही अपना खाना बना रहे हैं और वो साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड हैं और सन की एनर्जी पे डिपेंड भी करते हैं। फिर दूसरी है आपकी माइनर कम्युनिटी। ये ऐसी कम्युनिटी है जो आपके मेजर कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हिरण, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कोई और ऐसा हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को कंज्यूम करके किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। फिर उसके बाद इसमें और ज़्यादा इंक्लूड होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो इन वाले ऑर्गेनिज़म्स को कंज्यूम करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करें। यानी कि बेसिकली अगर मैं समझूँ तो वो आपस में एक दूसरी कम्युनिटीज़ पे डिपेंडेंट हैं। जैसे कि ये तो आप मान लीजिए आपकी हो गई प्लांट कम्युनिटी, यानी कि आपकी मेजर वाली कम्युनिटी। अब माइनर में देखें तो ये हो गई डियर, जो डियर है वो भी प्लांट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप मान लीजिए बफलो, जो आपके बफलो हैं वो भी यहाँ पे डिपेंडेंट है, वो लोग इनको कंज्यूम करके एनर्जी या फिर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। आप यहाँ पर रैबिट का एग्जांपल ले सकते हैं, रैबिट डिपेंडेंट है, तो ये सब लोग इस पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आप लीजिए वूल्फ्स यानी कि भेड़िए, वो इनको इसको या इसको किसी को कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे आप फॉक्स ले सकते हैं,
फाइनली आप टाइगर या फिर आप लायन ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कम्युनिटी जो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, उनको आप कहते हैं माइनर कम्युनिटी, या फिर इनको बोला जाता है सोसाइटी। तो ये टर्म भी आप ध्यान रखें यहाँ पे। और ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये साथ वालों पे डिपेंड करती हैं। अब अगर हम समझें तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में, ये दिखाता है क्या पैटर्न है उस कम्युनिटी का। तो ये आपको पैटर्न के बारे में जानकारी देगा, और इसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। अब अगर हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझें तो देखिए, अगर ये कम्युनिटी है तो सबसे पहले तो इसमें कुछ पेड़ होंगे, जो कि आप जानेंगे ये है आपकी मेजर कम्युनिटी। हमने समझा मेजर माइनर कम्युनिटी क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वहीं पे कुछ होंगे डियर यानी कि हिरण, फिर यहाँ पे होंगे कुछ लायन। तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल नीड की वजह से। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये पैटर्न दिखा रहा है आपको कि इस तरीके से न्यूट्रिशन ऊपर तक जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। अब आती है तीसरी चीज की बात, यानी कि इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या है? देखिए, इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है बायोस्फेयर का। बायोस्फेयर है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये अगर बायोस्फेयर है तो इसके अंदर होगा फिर छोटा सा बायोम, उसके अंदर होगा ये इकोसिस्टम। तो बेसिकली अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूँ तो ये जो है ये फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स फंक्शन करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो भी प्लांट या फिर ट्रीज़ हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। मछलियाँ वहाँ पे जो है इंक्लूड कर सकते हैं। वाटर है, सॉइल है। तो जो भी ऐसा यूनिट है जहाँ पे किसी तरीके का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है बायोस्फेयर के अंदर, उसको आप कहते हैं इकोसिस्टम। तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या है? ये स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है बायोस्फेयर का। अब अगर इकोसिस्टम की बात करूँ तो एक इकोसिस्टम हेल्दी कब होता है? इकोसिस्टम तब हेल्दी है जब उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से बैलेंस में रहें। तो मतलब अगर एलिमेंट वन है, एलिमेंट टू के बैलेंस में रहे, एलिमेंट थ्री इन दोनों से आपस में बैलेंस में रहे, तो तब आप कहते हैं आपका जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी है। और इसके बाद साथ ही साथ उसमें रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इसके बाद इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप कहेंगे कि आपका जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी है। अब हमने देखा कि एक इकोसिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। उसमें आपने देखा सॉइल और वाटर जैसे कंपोनेंट भी थे, और साथ में वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपने सभी जीव जंतुओं को इंक्लूड कर लिया। उसके अलावा प्लांट्स, ट्रीज, ये सब भी कंपोनेंट थे। तो इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। आप जानते हैं सॉइल, वाटर, इन सब में जीवन नहीं है, ये अजैविक हैं, तो इसको हम कहते हैं अबायोटिक। और वैसे ही इन चीज़ों में जीवन है तो हम इसको कहते हैं बायोटिक। तो बेसिकली इनके दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला होता है अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें इनऑर्गेनिक या फिर नॉन लिविंग पार्ट्स जो भी हैं, जैसे कि सॉइल, जैसे कि वाटर, एयर, एनर्जी, ये सब आप इसमें इंक्लूड करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? देखिए, ये बताते हैं किस तरीके से वहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर सकता है, वहाँ पे वो किस तरीके से रह सकता है। अगर ये सारे फैक्टर्स सूटेबल होते हैं तो वहाँ पे लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से फलती फूलती है, अच्छी तरीके से एग्जिस्ट करती है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर सही नहीं हुआ, समझ लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ही वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अगर डेजर्ट में आप देखें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रेनफॉल बहुत कम है, तो क्या वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट सस्टेन कर पाएंगे? तो उसका आंसर है नहीं, वहाँ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ सस्टेन कर पाएंगे जो कम पानी में भी अपना काम चला लें, जैसे कि कैक्टस, जैसे कि और कई जीरोफाइटिक प्लांट्स। तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे वहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करें। अब इसमें एनर्जी है जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल है, आपको मालूम है कैसे ट्रांसफ़र होती है। सन से आती है पेड़ में, पेड़ उससे अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जब कोई भी हर्बीवोरस एनिमल उस पेड़ को कंज्यूम करता है तो वो एनर्जी उस एनिमल में चली जाती है, समझ लीजिए डियर। फिर जब दूसरा ऑर्गेनिज्म, कोई कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करता है तो वो एनर्जी इसमें चली जाती है, समझ लीजिए वुल्फ। और जब इसको कोई और ऑर्गेनिज्म यानी कि लायन कंज्यूम करता है तो वो एनर्जी इसमें चली जाती है। तो ये लाइफ के लिए एसेंशियल है। रेनफॉल जो है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
फिर टेम्परेचर, हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल डेजर्ट का, तो ऐसे ही ये डिसाइड करता है कैसे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उस टेम्परेचर से किसी ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट कर लिया तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाएगा, अगर वो नहीं कर पाया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे ही एटमॉस्फेयर है जो वहाँ पे सूटेबल कंडीशन बनाता है एग्जिस्टेंस की। सबस्ट्रैटम यानी कि उसके नीचे की जो ज़मीन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर उसके नीचे फर्टाइल सॉइल है तो वहाँ पे खूब सारा वेजिटेशन होगा, खूब सारे पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधों को खाने वाले खूब सारे हर्बीवोरस यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, तो उनको खाने वाले काफ़ी सारे सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। तो इस तरीके से अगर सबस्ट्रैटम अच्छा है तो उससे पूरा जो आपका लेवल है वो ही पूरा इन्फ्लुएंस हो रहा है। फिर आप देखें मटेरियल, जैसे कि वहाँ पे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप देखें, जैसे कि कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ और फैक्टर जैसे कि लैटिट्यूड या ऑल्टीट्यूड भी इन्फ्लुएंस करता है। लैटिट्यूड तो समझ लीजिए, आप देखिए जो भी इक्वेटर रीजन्स पे आपको ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, वो आपको टेम्परेट रीजन पे नहीं मिलेंगे। वो आपको फिर और आगे आप जाएंगे तो आर्कटिक रीजन पे नहीं मिलेंगे। हर एक एरिया में अपने अलग ऑर्गेनिज़म्स होंगे। जैसे यहाँ पे आपको एवरग्रीन पेड़ मिलेंगे जो लंबे लंबे होंगे, और यहाँ पे वहीं पे आपको कॉनिफेरस ट्रीज़ मिलेंगे जिसमें नीडल लाइक पत्तियों की शेप होगी। तो आपको जैसे जैसे आप अलग अलग लैटिट्यूड पर जाएंगे अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स मिलेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे कुछ पेड़ का दिया। फिर वैसे ही आप ऑल्टीट्यूड चेंज करेंगे, समझ लीजिए अगर किसी माउंटेन पे आप ऊपर जा रहे हैं तो निचली सतह पे जो आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं वो ऊपर अलग मिलेंगे, और ऊपर अलग मिलेंगे, और ऊपर अलग मिलेंगे, एंड में जाके आपको कुछ छोटी मोटी ग्रासेस मिलेंगी, अल्पाइन वेजिटेशन आप यहाँ पे पाएंगे। हो सकता है इस एरिया में आपको एवरग्रीन वेजिटेशन मिल जाए। तो इसी तरीके से लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड भी दो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो वहाँ की कम्युनिटी को, वहाँ की जनजातियों को किसी तरीके से अफेक्ट करती हैं। फिर हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट। आपको मालूम है बायोटिक कंपोनेंट में जो भी चीज़ें रेस्पायर करती हैं, जो भी सांस ले रही हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रही हैं, वो सबके सब बायोटिक में इंक्लूड होंगे, जिसमें प्लांट्स, प्लांट में भी दो हमने पढ़े थे, एक तो होता है वुडी जिसमें मोस्टली वुड होगा, आपको पत्तियाँ कम दिखेंगी, एक होता है ग्रीन प्लांट जिसमें पत्तियों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी। एनिमल हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो ये सब के सब आपके बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। अब ये बायोटिक कंपोनेंट किस तरीके का रोल परफॉर्म करते हैं, किस तरीके के वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन्हीं आधार पे उसको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले समझते हैं प्रोड्यूसर क्या होते हैं। देखिए सभी प्लांट्स जो कि खाना प्रोड्यूस करते हैं उनको आप बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, या फिर ऑटोट्रॉफ्स या फिर सेल्फ नरिशिंग। ऑटो और ट्रॉफ ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ऑटो मतलब अपने आप और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन अक्वायर करना। तो वो जब न्यूट्रिशन अक्वायर करते हैं वो तो अपने आप से ही करते हैं, किसी और को कंज्यूम करके नहीं कर रहे, तो इसलिए आप उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ, अपने आप न्यूट्रिशन अक्वायर करने वाले, या फिर सेल्फ नरिशिंग यानी कि खुद ब खुद नरिशमेंट अक्वायर करने वाले। तो ये सिर्फ सन की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और यहीं पे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उससे ये एनर्जी एक्वायर करते हैं, इसीलिए आप कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ्स। बाकी जो इसके बाद आएंगे वो कोई भी अपना खाना नहीं बनाएंगे, वो दूसरों को खा के अपना नरिशमेंट एक्वायर करते हैं, इसीलिए उनको हेटरोट्रॉफ्स या फिर अदर नरिशिंग हम कहेंगे। यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स में कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी भी होते हैं, ये आप ध्यान रखें। जनरली हम मिस्टेक करते हैं कि हम सिर्फ प्लांट इसमें इंक्लूड करते हैं, प्लांट ही खुद अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर अटक सकता है। फिर बेसिकली ये करते क्या हैं, देखिए ये सन से एनर्जी लेके कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और उससे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, और इसी वजह से ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ये सब होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो हर्बेशियस वुडी प्लांट्स, या फिर अगर मैं एक्वेटिक में जाऊँ तो फिर वहाँ पे बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक एल्गी, या फिर आप यहाँ पे फाइटो प्लैंक्टन का एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। फिर दूसरे होते हैं कंज्यूमर या फिर हेटरोट्रॉफ्स, या फिर उनको फैगोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, या फिर अदर नरिशिंग। तो इनके चार नाम हैं। ये बेसिकली इसलिए
इस तरीके से कहे जाते हैं क्योंकि ये पुराने वाले प्रोड्यूसर्स से जो हमने पढ़े अभी अभी उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, फिर या फिर अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म ने इससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया तो वो इस ऑर्गेनिज्म को खा के फिर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। तो ये खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं करते, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर फूड ऑन देयर ओन, वो अपने आसपास वाली कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं। अब इसके अंदर भी आप इनको माइक्रो या फिर मैक्रो कंज्यूमर में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं मैक्रो कंज्यूमर। तो देखिए इसको समझने के लिए एक आसान हम लोग ये पिरामिड बना लेते हैं। समझ लीजिए सबसे नीचे यहाँ पे तो हैं आपके प्लांट जो हमने ऊपर देख लिए, ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल जहाँ पे समझ लीजिए डियर है या फिर काऊ है। फिर उसके ऊपर आप यहाँ मान लीजिए वुल्स हैं या फिर फॉक्स है, और ऊपर आप मान लीजिए यहाँ पे टाइगर है या फिर लायन है। ये आपका हो गया सेकेंड लेवल और ये हो गया आपका थर्ड लेवल। तो बेसिकली जो फर्स्ट लेवल के लोग हैं डियर और काऊ, ये प्लांट को खा के न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। तो इनको जो हम बोलते हैं वो है प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले लेवल पे हैं ये कंज्यूमर। काऊ रैबिट ये एग्जाम्पल है इनके। फिर उसके बाद आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर जो इन वाले कंज्यूमर को खा के एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। कोई भेड़िया या कोई लोमड़ी जाके प्लांट नहीं खाएगी, वो डियर को या काऊ को या रैबिट को, इनको कंज्यूम करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। इस वजह से आप इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। फिर उसके बाद ये हो गए टर्जरी कंज्यूमर, क्यों ये जो है इन पे फीड करेंगे। तो ये जो है ये सब के सब आपके मैक्रो कंज्यूमर के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एक और चीज़ आती है, वो है ओमनीवोर। ओमनीवोर वो जीव जंतु हैं जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैन या फिर मंकी। इसमें आप देख लीजिए मैन जो है वो वेजिटेरियन होते हैं या फिर नॉन वेज होते हैं, और कई व्यक्ति हैं जो कभी कभार नॉन वेज खाते हैं लेकिन जनरली वेज खाते हैं। तो इसलिए ओमनीवोर हैं, वो दोनों ही चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही मंकी भी एक एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं माइक्रो कंज्यूमर क्या होता है, या फिर सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर या फिर ऑस्मोट्रॉफ, चार इसके अलग अलग नाम हैं। ये देखते हैं क्या होता है। अब देखिए आपने ये पूरी चेन पढ़ी, अल्टीमेटली आपने देखा लायन ने सबको खा लिया। एक समय आएगा जब लायन की डेथ हो जाएगी। लायन की डेथ हो गई तो इसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से यहाँ पे पड़ी हुई है। तो कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इस बॉडी पे फीड करेंगे। तो इस बॉडी को छोटे छोटे वो न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देंगे, और इस प्रोसेस को आप बोलेंगे डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस डीकम्पोजिशन के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किसी भी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को छोटे हिस्सों में तोड़ता है। हो सकता है ये डेड सब्सटेंस जो है प्लांट हो, या हो सकता है कोई एनिमल हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब ये तोड़ते हैं छोटे हिस्सों में, तो इनको हम कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स या फिर सैप्रोफाइट्स। बेसिकली करते क्या हैं, ये जो ऑर्गेनिक डेड मैटर है, ये इस वाले डेड मैटर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं यहाँ पे। ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है फाइनली फिर क्या होगा, ये हो जाएंगे डिजॉल्व सॉइल में, और धीरे से प्लांट जो है इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरीके से पूरी साइकिल बन जाती है। और इस साइकिल में एक अहम रोल प्ले करते हैं ये सैप्रोफाइट्स या फिर माइक्रो कंज्यूमर्स। फिर हम देखते हैं कि इकोसिस्टम को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। देखिए इकोसिस्टम दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल बेसिकली क्या है, जो भी फॉरेस्ट है यहाँ पे, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सब के सब आएंगे टेरेस्ट्रियल में। वहीं पे एक्वेटिक में क्या आएंगे, जो भी मरीन है या फिर सलाइन वाटर है या फिर फ्रेश वाटर है, ये जो भी इकोसिस्टम है जो इस तरीके के चीज़ को अपने अंदर लिए हुए हैं, उनको आप कहेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब कई इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जो अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रख सकते हैं। वो अपने खुद के फंक्शंस, खुद के प्रोसेसेस को कंट्रोल भी करते हैं, वो उनको रेगुलेट भी करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को उनकी कहा जाता है होम्योस्टेसिस, जिसको हम अपने आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इकोसिस्टम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, देखिए फूड देता है, फ्यूल, फाइबर, शेल्टर, बिल्डिंग मटेरियल देता है, एयर को प्योरीफाई करने में इसका रोल है, वाटर देता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में इसका रोल है, बहुत सारे वेस्ट को ये डिकम्पोज करता है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं, और ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इकोटोन क्या होता है। तो इकोटोन बेसिकली एक जोन ऑफ जंक्शन है दो इकोसिस्टम के बीच में, या दो से ज़्यादा भी इकोसिस्टम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माने ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है और ये तीसरा है,
तो ये इकोसिस्टम नंबर वन है, ये आपका इकोसिस्टम नंबर टू है, और ये इकोसिस्टम नंबर थ्री है। तो इसके बीच में जो ये वाला जोन है जहाँ पे ये चीज़ें इंटरैक्ट कर रही हैं, ये आपका है इकोटोन, यानी जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ टेंशन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि एक इकोसिस्टम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर मैं पकड़ूँ यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो आप इसके इस तरफ देखेंगे तो आपको दूर दूर तक यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा ओशन। और अगर आप इसके इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दिखेगा। तो ये जो है, ये दोनों के बीच का एरिया है, तो ये है जोन ऑफ टेंशन या फिर जोन ऑफ जंक्शन, जिसको हम कहते हैं इकोटोन। अब इस इकोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले ये या तो नैरो हो सकता है या फिर हो सकता है वाइड भी हो, यानी ये नैरो हो सकता है, यहाँ पे आपका एक दूसरा इकोसिस्टम है, यहाँ पे आपका दूसरा इकोसिस्टम है, या फिर हो सकता है ये काफ़ी वाइड हो, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो क्योंकि ये जोन ऑफ जंक्शन है, यानी कि इसमें कुछ इस वाले के फीचर्स भी होंगे और कुछ इस वाले के फीचर्स भी यहाँ पे आपको दिखेंगे, इसीलिए इसको जोन ऑफ टेंशन भी हम यहाँ पे कहते हैं। फिर उसके अलावा आपको एक यहाँ पे लीनियर पैटर्न देखने को मिलता है। अब लीनियर से हमारा क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे अगर ये इकोसिस्टम नंबर वन है और ये इकोसिस्टम नंबर टू है, तो इसके बीच का ये जोन हम लोग कहेंगे इकोटोन है। तो देखिए, जो कुछ स्पीशी, जो कुछ कम्युनिटी इस वाले एरिया में मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जंगल हैं, तो जंगल में आप देखेंगे हिरण बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है, अब जोन ऑफ टेंशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे इतने हिरण होंगे, फिर दूर जाते जाते ये थोड़े थोड़े हिरण कम होते जाएंगे। यहाँ अगर 20 थे तो यहाँ 10 होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, फिर 2, फिर फाइनली 1। तो आप देखेंगे कि हिरण जो हैं, तो अगर इसको देखते हुए आप एक पैटर्न तैयार करें, तो देखिए इस तरीके का पैटर्न आएगा, जहाँ पे आप यहाँ से यहाँ जाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो यानी कि अगर आप यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे, तो एक किसी स्पीशी की पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। तो ये जो पैटर्न है, इसको कहते हैं लीनियर पैटर्न। वहीं पे अगर आप देखें, तो कोई ऐसी पॉपुलेशन, कोई ऐसी स्पीशी जो डेजर्ट में पाई जाती है, उसकी यहाँ पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट निल होगी, लेकिन यहाँ जाते जाते धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से आप देखें, तो ये वाला पैटर्न भी आपको लीनियर ही मिलेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर पैटर्न, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशी, पर्टिकुलर कम्युनिटी को जब हम देखते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन या तो लगातार कम होती चली जाती है या फिर लगातार बढ़ती चली जाती है। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके ये हैं कि पहली कैरेक्टरिस्टिक इकोटोन ये दिखाता है, हो सकता है इकोटोन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएं जो कि ना इकोसिस्टम वन में थे ना इकोसिस्टम टू में थे, यानी कि कोई एंटायरली डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, ये भी संभावित है। और कभी कभार ये भी हो जाता है कि अगर आपका ये इकोटोन है और इसके दोनों तरफ आपका इकोसिस्टम वन और इकोसिस्टम टू है, तो हो सकता है कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज़ और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ और यहाँ से ज़्यादा बीच में हो। यानी कि अगर हम कम्युनिटी को देखें, तो इधर साइड पे जो कम्युनिटी है, उससे हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशी आपको मिले और ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो। इस पर्टिकुलर चीज़ को आप कहते हैं एज इफ़ेक्ट, और ये जो स्पीशी जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाती है, उसको आप कहेंगे एज स्पीशी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपको इकोटोन में मिलेंगे। एग्जाम्पल होता है इस चीज़ का, देखिए अगर आप माने कि एक तरफ फॉरेस्ट है और एक तरफ आपका डेजर्ट है, तो अगर मैं बर्ड्स पे फोकस करूँ, तो बर्ड्स की डेंसिटी जो है इस बीच वाले एरिया में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इधर की कम्युनिटी या फिर इधर की कम्युनिटी। तो यानी कि अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, तो उसमें बर्ड्स एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने आती हैं, जिसमें इकोटोन की प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से दिखती हैं। अब हम समझते हैं नीश क्या होता है। देखिए, नीश होता है बेसिकली कुछ ऐसे स्पेसिफिक फैक्टर्स या फिर कोई फंक्शनल रोल जो एक स्पीशी प्ले करती है किसी इकोसिस्टम में। ये इन्वॉल्व कर सकते हैं वो सभी फैक्टर्स जो एक स्पीशी को ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, खाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो आप समझिए कि यहाँ पे एक शेर है, आप इसको बंगाल टाइगर समझिए, तो आप ये बताइए क्या बंगाल टाइगर की जो रहने की जगह है, जो चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती है, जिस क्लाइमेट में, जिस वेजिटेशन में वो रहता है, क्या वो सेम हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अ कैमल? तो यहाँ पे
अगर आप एक बंगाल टाइगर और कैमल के दोनों के नीश को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के अपने यूनिक हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों को सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो और वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, यूनिक हैं। वहीं आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझें, कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसके नीश एकदम अलग होंगे। तो सभी फैक्टर्स जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को अफेक्ट करता है उसको हम कहते हैं नीश। नीश अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि हैबिटेट नीश, जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रिसाइड करता है, जहाँ पे वो रहता है। फूड नीश, जो कि वो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, जो खाता है। अब देखिए, बंगाल टाइगर और ये कैमल दोनों एक चीज़ नहीं खा सकते, दोनों के फूड नीश अलग अलग होंगे। रिप्रोडक्टिव नीश होता है, एक होता है फिजिकल और केमिकल नीश, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टोपोग्राफी क्या है वहाँ की, क्या वहाँ पहाड़ हैं या फिर वहाँ रेत है या फिर वहाँ कितना वेजिटेशन है, ये सब आपके फिजिकल और केमिकल नीश में आते हैं। अब हम आते हैं बायोम पे, यानी कि बायोस्फेयर से एक छोटा। बायोस्फेयर जो है वो आपका सबसे बड़ा यूनिट है, उससे एक छोटा यूनिट अगर आप देखेंगे तो बायोम है। बायोम में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्वेटिक सिस्टम के लिए बायोम नहीं होते, बायोम होते हैं सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए ही। और बायोम को हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये देखिए, क्लाइमेट एक बड़ा फैक्टर है जो बायोम को डिवाइड करता है। मान लीजिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश है, तो इस एरिया में लंबे लंबे पेड़ होंगे, ऊंचे ऊंचे एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे। फिर उसके बाद आप जाते हैं तो यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है। तो इस तरीके में आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कभी कभी ड्राई स्पेल भी आ जाता है, तो यहाँ पे आपको जो पेड़ मिलेंगे वो अलग होंगे, हो सकता है वो डेसीडियस पेड़ हों। और इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे, जब जहाँ पे बारिश बहुत ही कम है, जनरली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस एरिया में आप पाएंगे कुछ कैक्टस जैसे पेड़ हैं, कुछ ज़ीरोफाइटिक पेड़ हैं जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं, जिससे कि वो ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो अगर आप ये देखें तो ये अपने आप में तीन अलग अलग बायोम हैं। वहीं पे अगर आप टेम्परेचर पकड़ लें तो आप सोचिए, कोई ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा कम है, माइनस में रहता है, तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा पेड़ मिलेंगे नहीं, हो सकता है कुछ मॉसेस मिल जाएँ, कुछ लाइकेंस मिल जाएँ। और उसी वजह से जो वेजिटेशन वहाँ का डिफ़र कर रहा है, वैसे ही वहाँ पे आपकी एनिमल लाइफ भी डिफ़र करेगी। तो बेसिकली बायोम क्या है, आपने क्लाइमेट और वेजिटेशन के अनुसार छोटे छोटे हिस्सों में बायोस्फीयर को बांट दिया है, और आपने उसको कहा है कि ये भाई ये है बायोम। तो इसको कैरेक्टराइज हम करते हैं क्लाइमेट के आधार पे, वेजिटेशन के आधार पे, मैंने आपको एग्जांपल दिया वेजिटेशन का, एनिमल लाइफ क्या है वहाँ पे, जनरल वहाँ की सॉइल टाइप क्या है, सब कुछ एक ही चीज़ से रिलेटेड है। मोस्टली जो क्लाइमेट है वो वेजिटेशन पे भी अफेक्ट डालता है, वो वहाँ की सॉइल टाइप पे भी अफेक्ट डालता है। और कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते, वो बिल्कुल यूनिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है जो इसकी बाउंड्रीज डिटरमाइन करता है। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा तेज़ बारिश है तो इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, जैसे ही बारिश थोड़ी कम हो गई वहाँ से एक नया बायोम स्टार्ट हो गया, ये B2। जैसे ही बारिश और कम हो गई और टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, यहाँ पे एक नया बायोम स्टार्ट हो गया B3। तो क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बायोम की बाउंड्रीज तय करता है। और उसी में और ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो दो चीज़ें हैं, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेसिपिटेशन, यानी कि तापमान वहाँ का क्या है और वहाँ किस तरीके की बारिश होती है, ये दोनों तय करते हैं वो बायोम कितना लंबा है और उसके बाद नया बायोम कब स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग एक्वेटिक जोन्स की बात करें तो यहाँ पे बायोम नहीं होते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं वो सैलिनिटी के आधार पे होते हैं, कितना पानी नमकीन है, उसमें कितनी मात्रा में नमक है, उस आधार पे आप डिफरेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम बांटते हैं। एक होता है मरीन, जहाँ पे आपकी 35 पार्ट्स पर 1000 से ज़्यादा अगर सैलिनिटी है, इससे ज़्यादा नमक है, तो आप उसको मरीन में कंसिडर करते हैं। 5 PPT से कम है तो आपको फ्रेश वाटर कहते हैं, इनके बीच में है तो ब्रैकिश कहते हैं। तो इस तरीके से सैलिनिटी के आधार पे आप यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम को बांटते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कोई बायोम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बायोम सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल के लिए ही उपलब्ध है। अब इस टेबल में कुछ बायोम्स दिए गए हैं और उनके कुछ जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि है पहले तुंद्रा बायोम। तुंद्रा कहाँ पड़ता है, अगर आप देखें तो ऊपर 70 डिग्री नॉर्थ से आपका जब तक 55 डिग्री नॉर्थ आता है उसके बीच में पड़ता है आपका तुंद्रा। देखिए, अगर मैं इसको आपको वर्ल्ड मैप पे समझाऊं तो ये देखिए, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री है, ऊपर आपका 30 मान लेते हैं, यहाँ 60 मान लेते हैं,
और ऊपर आपका 90, तो ये जो है इसके बीच में कहीं इस एरिया में ये पड़ता है आपका तुंद्रा बायोम। यहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा आपको पता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, जनरली टेम्परेचर आपका माइनस में रहता है, बारिश यहाँ पे बहुत कम है, जो होती है वो भी स्नो की फॉर्म में होती है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक तो आपको यहाँ पे पेड़ नहीं मिलेंगे, यहाँ पे ट्रीज नहीं उगते, और दूसरी बात यहाँ पे रेप्टाइल्स नहीं मिलेंगे आपको, और तीसरी बात यहाँ पे आपको एम्फीबियंस नहीं मिलेंगे, यानी कि जो पानी और ज़मीन पे दोनों पे रह पाते हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ फ्लोरा फौना है वो आप देख के याद कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम ताइगा पे, यहाँ पे जनरली हमको कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है, तो बेसिकली इसके जो नीचे का कुछ हिस्सा है वो सब के सब ताइगा फॉर्म करता है, जिसमें नदर्न यूरोप आता है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, क्योंकि उससे थोड़ा नीचे है तो टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है यहाँ पे। इसको आप लोग बोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद करें। और इस एरिया में जनरली जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं उसमें आपको नीडल लाइक लीव्स मिलेंगी, जो एक वैक्सी काइंड ऑफ सब्सटेंस कैरी करे होती हैं, और इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये इक्वेटर के आसपास आपका फॉरेस्ट पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इसमें नाम ही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, क्योंकि सूरज की इतनी रोशनी है इसीलिए जो पेड़ हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और वो भागते हैं सूरज की रोशनी की तरफ। तो यहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो एक से एक लंबे लंबे पेड़ यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि पेड़ एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तो यहाँ पे मल्टी स्टोरी आपको देखने को मिलते हैं, कई आपको अंडरग्रोथ भी देखने को मिलती हैं जो पेड़ के नीचे धीरे धीरे ग्रो करती हैं। और इसी एरिया में आपको कुछ एपीफाइट्स भी देखने को मिलेंगे जो ट्री की ब्रांच पे या फिर कैनोपी पे ग्रो करते हैं। एपीफाइट से देखिए मेरा मतलब है, मान लीजिए ये पेड़ है, इसकी ट्रंक है, तो कई बार आपको देखने को मिलता है इस ट्रंक पे ही कुछ पेड़ पौधे छोटे छोटे उग जाते हैं, जो ये पेड़ नहीं है लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट पेड़ पौधे हैं, तो इनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स, और ये यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। फिर आपके सामने आता है टेम्परेट डेसिडियस, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट, एशिया, जापान, चाइना, साउथ वेस्ट रशिया, साउथ अमेरिका, चिली, पैराग्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये दो आपके जब ख़त्म होते हैं उसके नीचे फिर एक ये टेम्परेट डेसिडियस का जोन आता है, ये तो आपके इक्वेटर के पास देखने को मिलता है। डेसिडियस क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक सीज़न में अपनी सभी पत्तियां गिरा देते हैं, और फिर आपको बहुत सारे बेयर ट्रीज देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं ग्रासलैंड, जहाँ पे आपको पता है ग्रासेस डोमिनेट करती हैं, ये काफ़ी जगह देखने को मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल है अफ्रीका में सवाना, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव है। यहाँ पे ज़्यादातर हमको हर्बीवोर देखने को मिलते हैं क्योंकि ग्रासेस हैं, हालांकि कई बार आपको चीता भी देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे रोडेंट्स यानी कि चूहे जैसे और जीव बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आखिरी है डेजर्ट्स, डेजर्ट में रेनफॉल होती है बहुत कम, टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन याद रहे कि रात में यही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है, तो दिन में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और रात में टेम्परेचर बहुत कम, ये जो है ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है डेजर्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम की। यहाँ आपको जो फ्लोरा और फौना मिलती हैं वो स्पेशली अडॉप्टेड होती हैं डेजर्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के लिए, जिससे वो वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की रेनफॉल को समझ के उस तरीके से अपने सर्वाइवल को आगे बढ़ा सकें। फिर हम देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक, मैंने आपको बात बताया था फ्रेश वाटर होता है, मरीन वाटर होता है, यहाँ पे जो बेसिक डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होती है सेलिनिटी, मतलब कितना नमकीन पानी है। फ्रेश वाटर अगर मैं देखूँ तो इसमें मोस्टली 5 PPT से यानी पार्ट्स पर थाउजेंड से कम सेलिनिटी होती है, और ये जो है दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है लोटिक और लेंटिक। अगर पानी बह रहा हो तो मूविंग वाटर को आप कहेंगे लोटिक, और अगर ठहरा हुआ पानी है, स्टैगनेंट है, तो उसको हम कहते हैं लेंटिक। लोटिक मतलब हो सकता है आपका फ्रेश वाटर की स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, बहुत सारी नदियाँ, और वहीं पे लेंटिक हो सकता है पूल्स, आपकी काफ़ी सारी झील जो रुकी हुई रहती हैं। फिर दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो मरीन इकोसिस्टम है, जहाँ पे आपकी सैलिनिटी करीब 35 PPT है और डेप्थ आपकी होती है 3,750 मीटर की। सबसे ज़्यादा जो इकोसिस्टम फैला हुआ है वो यही इकोसिस्टम है, करीब 1/3 हिस्सा हमारे अर्थ का ये कवर करता है। और फिर मैं देखूँ एस्चुरीज, तो आप ये देखिए अगर यहाँ से आ रही है एक नदी
नदी जो है वो हमेशा फ्रेश वाटर कैरी करे होती है क्योंकि ये मूविंग वाटर है। और फाइनली नदी करती क्या है, वो अपना पानी जाके किसी भी समुद्र में गिरा देती है। तो ये जो बीच का एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर मरीन वाटर से मिलता है, यहाँ पे बनती हैं आपकी एस्चुरीज। अब एस्चुरीज में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोस्टल बे हो सकते हैं, रिवर माउथ हो सकते हैं, टाइडल मार्शेस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर और जो आपका ओशन वाटर है या फिर मरीन वाटर है वो आपस में मिलते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव जोन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया की डिमांड अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर एक्वेटिक में आप देखें तो कोरल रीफ्स हैं, मैंग्रोव भी एक्वेटिक में ही आते हैं। और फिर हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, यानी कि बायोस्फेयर। बायोस्फेयर समझने का सबसे आसान तरीका, देखिए मानिए ये एक एप्पल है, तो ये जो एप्पल का छिलका है ऊपर का, जब आप इसके ऊपर का लाल छिलका उतारते हैं वो है बायोस्फेयर, और अंदर का जो सफ़ेद एप्पल है वो है आपका अर्थ। तो अर्थ के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, वो बायोस्फेयर है। तो बायोस्फेयर क्या है, एक ऐसी ये पूरी लेयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसीलिए ये अर्थ के ऊपर है। बायोस्फेयर आपका जुपिटर या फिर मार्स के ऊपर नहीं है, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर जो लेयर है वो है आपकी बायोस्फेयर। तो अगर मैं डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, अगर इनमें से आप देखें, एक है आपका हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे पानी है, एक है आपका एटमॉस्फेयर जहाँ पे सभी गैसेस हैं, और एक है आपका लिथोस्फेयर जो आपके कॉन्टिनेंटल रॉक से डील करता है। तो ये जो बीच का जोन है जहाँ पे तीनों इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वो है आपका बायोस्फेयर। हालांकि पूरी ऐसा नहीं, पूरी धरती पे हर जगह लाइफ आपको देखने को ही मिलेगी। तो इसी के साथ ये भी आप सोच सकते हैं कि बायोस्फेयर भी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पोल्स। पोल्स पे ऐसा क्लाइमेट ही नहीं है कि कोई लाइफ एग्जिस्ट कर पाए, एकदम जो एक्सट्रीम पोल्स हैं, तो वहाँ पे आपको बायोस्फेयर भी नहीं मिलेगा। ऐसे इलाकों में कभी कभार हो सकता है कुछ फंगा या कुछ बैक्टीरिया एग्जिस्ट करें, लेकिन वो भी जो है डोरमेंट फॉर्म में है, एक्टिव नहीं है, तो इसी वजह से वहाँ पे हम बायोस्फेयर कंसिडर नहीं करते। तो अल्टीमेटली आप कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे उसको आप कहते हैं बायोस्फेयर। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपने इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।